यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। भाई लोग, आज बहुत ही ज़्यादा क्रेजी गेम प्ले है, आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई सब। आज हम सुपर कार चोरी करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार हैं, तकरीबन कम अज़ कम $20 बिलियन की भाई वो एक कार है जो हम चोरी करने वाले हैं भाई साहब। आज हमने दो गाड़ियां चोरी करनी है, और चोरी ऐसे नहीं करनी कि हमने जाकर सिर्फ अगले बंदे के गैराज से उठा लेनी है, बल्कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ चोरी करनी है। ये पुलिस वाली है, एक ये पुलिस वाली लड़की है और एक ये पुलिस वाला बंदा है भाई साहब। ये हमारे साथ मिले हुए हैं भाई, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन, तीनों ने मिलकर कार्रवाई डालनी है भाई साहब। प्लान आपको बता दूँ, प्लान ये है कि सबसे पहले फ्रैंकलिन ने भाई उन लड़कों के पास जाना है जिनके पास लैम्बोर्गिनीज हैं, वहाँ जाकर उनको पंप करना है कि भाई हमारे साथ रेस लगाओ भाई। जब वो रेस लगा लेंगे तो तब माइकल और ट्रेवर पुलिस वाले बनके, यानी कि नकली पुलिस वाले बनके, पुलिस के यूनिफॉर्म्स में उस रास्ते पर मौजूद होंगे और भाई उस इन सब को रोक लेंगे और भाई गाड़ियाँ उठा कर निकल पड़ेंगे। उनको कहेंगे कि भाई हमने गाड़ियाँ आपकी जो है पकड़ ली हैं पुलिस ने। उनको क्या पता कि भाई ये जाली पुलिस वाले हैं, ये दो नंबर पुलिस वाले हैं। तो भाई फटाफट से हम पहुँचते हैं पेट्रोल स्टेशन पर जहाँ पर वो लैम्बोर्गिनी वाले लड़के मौजूद हैं। फटाफट से पहुँच चुके हैं भाई साहब पेट्रोल स्टेशन पर हम फौरन से। भाई ये गाड़ियाँ देखें, ओए होए होए भाई साहब, ये तो अपनी है ना भाई साहब। वो सामने ऑरेंज कलर की गाड़ी देखे, मैं कहता हूँ वो यार मेरा तो भाई दिल आ गया गाड़ियों पे भाई साहब। फ्रैंकलिन भाई जल्दी से गाड़ियाँ ले ले भाई साहब, अब दुआ करेंगे भाई साहब प्लान हमारा ना बिल्कुल। ओ भाई साहब कितनी फास्ट चल रही हैं भाई साहब, दुआ करेंगे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो तो भाई ये दोनों गाड़ियाँ हमें मिल सकती हैं। उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है वो आगे चीज़ें करेंगे, इन गाड़ियों को सेव कर लेंगे और जैसे भी करेंगे। अभी तो ये गाड़ियाँ पुलिस वाले हमसे शायद ले लें जो हमारे साथ मिले हुए हैं, लेकिन हम बाद में उनसे चुरा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारा काम है इन गाड़ियों को अपने कब्ज़े में लेना, ठीक है भाई साहब। गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इनके साथ जो है वो रेस लगा पाऊँगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके इनके साथ इनको ऐसा लगना पड़ेगा कि भाई ये बंदा हमारे साथ रेस लगा रहा है, क्योंकि अगर मैं पीछे रह गया तो हो सकता है इनको शक पड़ जाए। तो भाई अगर इनको शक पड़ गया तो ये किसी और तरफ निकल जाएंगे, रूट चेंज हो जाएगा, और अगर रूट चेंज हो गया तो भाई साहब हमारे जो बंदे मौजूद हैं वो इसी रास्ते पर मौजूद हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि अब ये किस तरफ गए हैं। तो भाई साहब इनको इसी रूट पर रखना है भाई साहब, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि भाई साहब इसी रूट पर रहें। तो भाई साहब प्लान के मुताबिक टाइम हो चुका है और हमने कॉल कर दिया माइकल को। तो भाई साहब अब हमने इनको पुल ओवर करना है, ये गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं भाई साहब, फ़ौरन से भाई इनको रोकना है, फ़ौरन से रोकना है भाई साहब इनको। प्लान के मुताबिक चल रहा है सब कुछ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है भाई साहब। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल सब्सक्राइब कर दें भाई साहब। गाड़ियाँ पुल ओवर करने वाले हैं हम, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है, लैम्बोर्गिनी है और एक पोर्शे टाइकन है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है भाई साहब, क्योंकि कन्फर्म होगा गाड़ियाँ लेने के बाद ही। मैंने अभी तक ज़्यादा गौर से गाड़ियों को नहीं देखा, क्योंकि भाई शक पड़ सकता था, बिल्कुल भी ज़्यादा शक नहीं पड़ने देना था। अगर मैं गाड़ियों को ज़्यादा गौर से देखता तो भाई साहब उनको पता चल जाना था कि ये गाड़ियों के चक्कर में है भाई साहब, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं भाई। हमें बिल्कुल भी शक नहीं पड़ने देना था, इसलिए मैंने ज़्यादा गौर से गाड़ियों को नहीं देखा। और भाई ड्राइवर ध्यान से चल, अभी तू लगने लगा था सारे का सारा प्लान तुमने चौपट कर देना था, क्या कर रहा है ड्राइवर, नशा पिया तूने, क्या कर रहा है यार तू, ध्यान से चला मोटरसाइकिल। और भाई वो गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बाइक्स उनको मीट कर पाएंगी, क्योंकि भाई मैंने फुल रेस दी हुई है, इसके बावजूद भी ये सुपर कार्स बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। तो आगे इलाका आने वाला है जहाँ पर रश थोड़ा बढ़ जाएगा, वहाँ पर जाके मेरे ख्याल से सुपर कार्स थोड़ी स्लो हो जाएंगी और हम उनको जल्दी से पुल ओवर कर लेंगे, उनको रोक देंगे। हमने उनको ज़बरदस्ती नहीं रोकना, बस हमने उनके मोटरसाइकिल जो है हमारी जो बाइक्स हैं उनके पीछे लगा देनी है और उनको अपना जो है सायरन बजाना है ताकि उनको पता चल जाए कि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई साहब रुक गए हैं भाई साहब, मज़ा आ गया भाई साहब, फुल पुलिस वाली बाइक्स और पुलिस यूनिफॉर्म यहाँ मौजूद है भाई साहब, उनको शक नहीं होने देना। हाँ भाई फ्रैंकलिन कैसा है, ठीक है? और भाई साहब उनको शक नहीं पड़ने देना, उनसे पहले पेपर मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस मांगते हैं, वो तो सब कुछ होगा इनके पास, लेकिन भाई साहब क्योंकि ये भाई काफ़ी पढ़े लिखे बंदे हैं, इतनी महंगी कार है इनके पास, तो चेकिंग का बहाना लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप, हमें इतला मिली है कि भाई आपके पास ना कुछ ड्रग्स वगैरह हैं। और भाई ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे भाई ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा भाई शरारती बंदा है भाई, लोगों को हरास करता है, ठीक है ना, शर्म नहीं आती इस बंदे को। तो भाई साहब गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, ओह भाई साहब इतनी ज़्यादा पिक है गाड़ी की, इतनी ज़्यादा पिक भाई आज तक मैंने किसी गाड़ी की नहीं देखी भाई। हल्का सा रेस पैडल दबाओ
तो भाई रॉकेट लॉन्चर की तरह निकलती है भाई नीचे से, इतने बड़े बड़े टायर्स हैं, इतनी रोड ग्रिप है भाई साहब, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे रियल लाइफ में गाड़ी चला रहा हूँ मैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन मुझे ध्यान से लेके जानी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो जाए। एक मरतबा गाड़ी लग चुकी है भाई साहब, और मेरा ख्याल है कि ये रस्ते में मज़ीद कई मरतबा लगेगी क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ और एक्साइटेड भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि भाई टनल में से हम गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई साहब, गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अभी तो हम पुलिस वालों को गाड़ी हैंडओवर कर देंगे क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई है उनके साथ, हमने मिलके भाई कार्रवाई डाली थी, प्लान हमारा सबका इकट्ठा था। अभी हम अपना शेयर ले लेंगे बस उनसे और गाड़ियाँ उनके हैंडओवर कर देंगे, लेकिन बाद में हम माइकल और फ्रैंकलिन मिलके भाई, क्योंकि ट्रेवर को हम साथ नहीं लेंगे क्योंकि भाई ट्रेवर थोड़ा ओल्ड टाइप का बंदा है थोड़ा भाई, ठीक है ना, हम दोनों ना बस, क्योंकि गाड़ियाँ दो ही हैं। अगर हम ट्रेवर को भी साथ ले लेंगे फिर हमें उसको भी कोई ना कोई भाई हिस्सा देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम माइकल और फ्रैंकलिन दो बंदे मिलके ही ना भाई साहब प्लान करेंगे ये गाड़ियाँ पुलिस वालों से निकालने का। भाई साहब पुलिस हेडक्वार्टर पर रेड करेंगे, फुल अटैक करेंगे और भाई गाड़ियाँ लेके वहाँ से छू मंतर हो जाएंगे। और भाई शहर के बाहर जो अपना फार्म हाउस है ना भाई साहब, जो हमने अभी रिसेंटली परचेज किया है, हम वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देंगे। और भाई साहब जब वहाँ पर ये गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी ना, तो भाई साहब हम उनका कलर चेंज करवा देंगे, कलर भी चेंज करवा देंगे और कुछ पार्ट्स भी मॉडिफाई। भाई आगे से गाड़ी देखी तुमने कैसी बला लगती है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की भाई लुक है आगे से तो इसकी फ्रंट से। और भाई हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे और इसके टायर भी चेंज कर देंगे, इसके रिम्स भी चेंज कर देंगे और इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये वही गाड़ियाँ हैं जो चोरी हुई हैं, क्योंकि भाई पुलिस वालों ने इसकी तलाश तो जारी रखनी ही रखनी है क्योंकि भाई ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और बहुत ज़्यादा रेयर हैं, इसी वजह से तो एक्सपेंसिव हैं भाई, ये पूरे दो यूनिट हैं पूरी दुनिया में, तो भाई हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इनको छुपा कर रखना पड़ेगा चोरी करने के बाद, क्योंकि भाई अगर ट्रेस होगी तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो भाई साहब ऐसे बहुत ही ज़्यादा मज़े के गेम प्लेज आने वाले हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब किस बात की देर है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फटाफट से अभी तो गाड़ियाँ पुलिस वालों को देने जा रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में जा रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की टक्करें हो चुकी हैं लेकिन कोई मसला नहीं, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, गाड़ी टूटी नहीं है, आगे से फ्रंट बम्पर को कुछ भी नहीं हुआ आप देख सकते हैं। तो भाई साहब अभी हम पुलिस को हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं, अरे भाई देख के क्या कर रहा है ये नज़र नहीं आ रहा। तो भाई साहब फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट लाजमी करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कैसे गेम प्लेस देखना चाहते हो, GTA 5 के मिशंस करें या फिर ऐसी स्टोरीज बनाएं। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और गाड़ियाँ जो है वो बड़ी मस्त लग रही हैं भाई साहब। ये बंदा था भाई साहब जो हमारे साथ मिला हुआ था पुलिस वालों का, इसने हमें यूनिफॉर्म्स वगैरह और बाइक्स वगैरह अरेंज करके दिए थे। तो भाई साहब अंदर से बंदे मिले होते हैं तो फिर ही भाई कार्रवाई डलती है, वरना भाई प्लान्स ऐसे नहीं बनते। अरे भाई फ्रैंकलिन से पंगा लेना, फ्रैंकलिन ने तेरा मुंह तोड़ देना इधर ही। तो भाई साहब फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ज़बरदस्त गेम प्लेज के लिए बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बाय बाय।